ये है मियां वाली का वो नौजवान सब्जी वाला जिसके सब्जी बेचने के निराले अंदाज ने इसको पूरी दुनिया में वायरल कर दिया है। सब्जी बेचते हुए इसको ऐसे झटके लगते हैं कि गाहक परेशान होकर भाग जाते हैं, मगर खरीदार पहले से भी ज्यादा हो जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक शख्स झटके लगाकर सब्जी बेच रहा है, डरा धमका के अपने कस्टमर्स को परेशान कर देता है। आइए इनसे बात करते हैं। ये मियां वाली से ताल्लुक रखने वाले वजीर खान हैं, हमने इनको ढूंढ निकाला है। इनसे पूछते हैं इतने झटके कहाँ से आते हैं। सब्जी बेचते बेचते अचानक आपको क्या हो जाता है कि लोग डर जाते हैं? ये झटके लग जाते हैं यार, झटके लगते हैं, झट से दुकानदार जो करते हैं, इसलिए अभी ये खान लाला खान लोगों ने हमारा वीडियो शेयर किया था तो अच्छा। इनका मैं बहुत मेहरबानी शुक्रगुजार हूँ। आपकी वायरिंग शार्ट तो नहीं है? ना, कुछ बीमार हूँ तो कुछ मैं हूँ यार, कुछ बीमार है अच्छा। तो कुछ मैं जानबूझ के वीडियो बनाता हूँ अच्छा। कुछ मैं फनी भी हूँ, वीडियो बनाते हैं। कभी ऐसे बनाते बनाते चोट नहीं लगी? हाँ, चोट लगी। आँख पड़वा ली होवे तो डेके यार, कंडे नहीं छोड़े, कंडे का चोट बहुत लगते हैं। जल्द में झटके मरे मेरे हाथ कंडे तो लगते, कंडे कहने ही लगे, कहने ही लगे अच्छा। जी हाँ, कितनी देर हो गई है मुझे सारा भेज दें? कितना अर्सा हो गया? कितना अर्सा हो गया? 12-13 साल हो गए। ये खुद शूट डराओ तो ना यार। आखिर ये खुद टूटा है, झटके से टूटा है? ये झटके से टूट जाता, हफ्ते में दो दाने ये लेता हूँ। हाँ, इनके खर्चे भी ज्यादा यार। अगर किसी ने अपना मकान वगैरह उतरवाना हो चुक देंगे मोटे थे मकान? हाँ, मकान चुक लेना होना। कितना? एक झटका मार मार तो मकान चाह के ना होना यार। बता के झटका मारे हैं, कोई दिल का मरीज भी होता है। अच्छा, तुम दिल का मरीज हो? अच्छा, मेरी बात सुनो, अगर कोई बंदा आ जाए आपके पास, मरीज आ जाए झटका, कभी ऐसा नहीं हुआ अभी होश हो गया आपकी रेडी पे? नहीं, काफ़ी लोग ज़्यादा डरते हैं, पहले डरते हैं, बाद में हंसते थे, फिर हमसे सौदे भी लेकर जाते हैं। अच्छा जी हाँ, काफ़ी लोग को काफ़ी ज़्यादा लोग को मैं अच्छा लगता हूँ। यानी कि आपका यानी कि आपका एक अलग स्टाइल है ये तकरीबन, अभी ऐसे समझा हमारा स्टाइल बन गया। अच्छा, हाँ भी हमारा स्टाइल बन गया। हमें आवाज़ लगा के दिखाएंगे, जैसे आप, आपकी वीडियो वायरल हुई है, मैंने देखी थी, आप सब्जियाँ उठा के ये करके आवाज़ लगा रहे हैं। जब कोई नहीं आता गुस्सा कैसे आता है आपको? जब गाहक नहीं आता तो जब कोई नहीं आता पूछो, इतनी मुझे गुस्सा, जब कोई नहीं आता तुम भगा देना, गुस्सा आते बिल्कुल कम होते नहीं, फिर हम इसकी हम इन सारे को ख़राब कर रहे थे। वज़ीर खान, मुझे ये बताओ कि आप ये अपना सामान बेचते हो, सब्ज़ी बेचते हो, आपका गुजारा हो जाता है? गुजारा बस, गुजारे वाली बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इसमें बस घर का निज़ाम चल जाते हैं, बस डेली का खर्च चल जाता है। हाँ, डेली के बस 700-800 हज़ार बंदा कमा लेते हैं, वो खर्च हो जाता है महंगाई। कुछ लोग कहते हैं कि आपका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है, आप इस वजह से करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस कोई लोग बोलते हैं ये, कोई मुझे पागल समझते हैं, कोई क्या समझते हैं, कोई बोलते जानबूझ कर, कोई क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, लेकिन मैं खुद जानबूझ के कुछ मैं बीमारी, मुझे बीमारी है तो कुछ मैं जान के एक फनी हूँ तो मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूँ। ये नाज़रीन लोगों के लिए मोटिवेशन है, वो खुद बीमार हैं, उनको मसले हैं, कुछ ज़्यादा ही मसले हैं, फिर भी वो लोग लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं, एक्टिंग करते हैं, जो भी करते हैं, बड़ी बात है। अच्छा, लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस लोग के लिए ये कहना चाहते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि हमने आपसे सब्जी नहीं लेनी, जाओ जो करना कर लो, उन्होंने की मैसेज देना? बाबू जी मुकदर अली गाले जेड़े सौदा गिनना है, सौदा देना, जेड़े ना गिनना है तो वो अपना काम करे। मैं कोई मेहनत तो ना करे ना, लेकिन लेकिन मेरे सौदा ज्यादा बिक जाते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सौदा ज्यादा बिक। वजीर खान, हुकूमत से कोई अपील करना चाहोगे? हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं इस बीमारी का काफ़ी अर्ज हो गए, 14-15 साल हो गए हमारा इलाज नहीं हो रहा है, और हमने हमारा और लेने देने ज्यादा कर्ज हम ज्यादा दे रहे, तो ये हुकूमत से अपील कर लूँगा, मंडी दर तो कम से कम 2-2.5 लाख मंडी देने पाए। हुकूमत आपके अंदर तारें डलवा दे, झटके जरा ज्यादा लगेंगे। आप हुकूमत से ये अपील है कि हमारा जो अंदर है ना, ऐ जरा गड़बड़ हूँ मैं, अंदर से गड़बड़ हूँ, ये हुकूमत को कहना चाहता कि मेहरबानी कर हमारा किसी सेठ से इलाज कराए।